आज के इस पवित्र आयोजन में जुड़े हुए सभी महानुभाव, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के अध्यक्ष एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारी ही इस संस्था के सेक्रेटरी जनरल श्री श्याम परांडे जी, संस्था के पूर्व अध्यक्ष एम्बेसडर शशांक जी, जिनका वक्तव्य अभी हम लोगों ने सुना, और मैंने देखा कि कार्यक्रम में बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़ने वाले हैं। हिज एक्सीलेंसी मेजर जनरल नामग्याल, आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के और देश के बहुत ही आदरणीय पत्रकार हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं, श्री सेल्वा राजू सुंदरम जी जो गोपियो इंटरनेशनल मलेशिया के चेयरमैन हैं, हमारे राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद और हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी के चेयरमैन श्री आर के सिन्हा जी जो लंबे समय तक राज्यसभा में रहे हैं, हमारे आदरणीय अशोक टंडन जी प्रसार भारती के सदस्य भी हैं और बालेश्वर जी के साथ लंबे समय तक वाइस प्रेसिडेंट रहे, श्री पीपी देवराज जी फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीलंका, श्री प्रेम लश्करी जी नेपाल भारत फ्रेंडशिप सोसाइटी से जुड़े हुए, और जैसा कि कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, इसके अलावा भी निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इस कार्यक्रम का निमंत्रण मुझे राजकुमार भाटिया जी के माध्यम से, श्री श्याम परांडे जी के माध्यम से और बहन श्रीमती सुषमा अग्रवाल जी के माध्यम से मिला था, और इस कार्यक्रम में भले ही थोड़े समय के लिए जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन मुझे अत्यंत प्रसन्नता की और संतोष की अनुभूति हो रही है। बालेश्वर अग्रवाल जी एक बहुत बड़ी स्वयं ही एक संस्था थे, जितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद उन्होंने बनाया, शायद उनका व्यक्तित्व इस संस्था से भी बड़ा था। मुझे बहुत खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और हिंदुस्तान समाचार मिलकर आज से शुरुआत करके आने वाले एक वर्ष तक उनके जन्म शताब्दी के वर्ष को देश भर में और दुनिया भर में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम करके आयोजित करने वाला है। मैं संघ का स्वयंसेवक तो 1969 में बना था, पालेश्वर जी का नाम थोड़ा बहुत कभी कभी सुनता था, लेकिन उनके दर्शन मुझे 80 के दशक में एक दफ़ा हुए, जब वो मेरे क्लिनिक के ऊपर अपना कान चेक कराने के लिए आए थे, और मेरे लिए वो बहुत ही भाग्यशाली क्षण था जब मुझे उनके दर्शन उस समय अपने क्लिनिक पर करने का मौका मिला था। उस एक मुलाकात में उन्होंने मुझे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के सदस्य बनने के लिए भी प्रेरित किया, और उसके बाद मैं आज भी स्मरण करता हूँ कि 1993 में
उनके नेतृत्व और उनके सानिध्य में हम में से बहुत सारे लोगों को मॉरिशस जाने का मौका मिला था। आज जैसा कि कार्यक्रम में लिखा है कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी भी, उनका संदेश भी हमें मिलने वाला है। वो उस समय 1993 में वहाँ के प्रधानमंत्री थे और पहली बार हमने नज़दीक से देखा कि बालेश्वर जी का व्यक्तित्व कितना गहरा है, कितना पवित्र है, कितना उनके विचार सात्विक हैं, कितना उनका व्यवहार बहुत ही सबके लिए आत्मीयता। और दूसरे देश में हमारा एक संगठन को चलाने वाले व्यक्ति की कितनी इज्जत है, कितना सम्मान है, और साधारण लोगों के द्वारा नहीं, वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा और दूसरे वरिष्ठ लोगों के द्वारा किस प्रकार का उनका सम्मान था, उसकी मैंने अनुभूति उस समय पहली बार की। और तब से लेकर, और शायद उनके जीवन के अंतिम क्षण तक, मुझको उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े रहने का बहुत मौका मिला। उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। अभी शशांक जी ने शायद कहा था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वो एक फर्स्ट क्लास फर्स्ट इंजीनियर बने, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ और ही सोचा था। अपने जीवन को जिस प्रकार से देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करा, हिंदुस्तान समाचार को शायद उसी वर्ष में उन्होंने जन्म दिया जब भारतीय जनसंघ का भी जन्म 1951 में हुआ था, और वहाँ से उसको आज वो कितनी ऊंचाइयों तक लेकर गए ये सर्वविदित है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के लिए किस प्रकार से गहराई और गंभीरता से काम करते हुए उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को इस संगठन के साथ कितने प्रेम के साथ जोड़ा, सारी दुनिया में रहने वाले भारतीयों को, हिंदुओं को किस प्रकार से जोड़ा, और हम भारतवासियों को भी किस प्रकार से सारे दुनिया के अपने भाइयों के साथ जुड़ने का कितने शालीन तरीके से वर्षों तक मौका दिया, इसके लिए हम सब हृदय से उनके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किस प्रकार से बहुत प्रयास करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के लिए एक इतना बड़ा, आने वाले वर्षों में उसकी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए स्थान विकसित करके हमको दिया, ये भी हम सब लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। भारत, भारत की संस्कृति, भारत की महानता, भारत की श्रेष्ठता, भारत की महान सांस्कृतिक परंपराएं, इनको कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सारे दुनिया के अंदर पहुंचाया। आज मैं समझता हूं कि आज अगर वो जीवित होते तो उनको निश्चित रूप से बहुत आनंद आता। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत की गरिमा और भारत के गौरव को सारे संसार में बढ़ाया है, और शायद नरेंद्र मोदी जी को भी आज बालेश्वर अग्रवाल जी जैसे महान व्यक्तित्व की कमी बहुत महसूस होती होगी, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से भारत की महानता को, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई को सारी दुनिया के सामने बहुत ही शालीन तरीके से प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं। मैं जानता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से बड़े कष्ट के साथ ये स्मरण करता हूं कि उनके आखिरी जो 2-3 वर्ष थे उसमें उनको काफ़ी तकलीफ़ रही,
और बहुत बार मुझे उनको जाकर देखने का मौका मिला। शारीरिक कष्ट के बावजूद भी मैंने देखा कि अंतिम समय तक उनका शायद असाधारण कमिटमेंट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद इसके द्वारा की जा रही गतिविधियां उनको और ऊंचाइयों तक लेके जाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद को और बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाना, उसके लिए आने वाले भविष्य के नेतृत्व को विकसित करना, ये सारे कामों को मैं डॉक्टर होने के नाते देखता था कि उनको कितनी तकलीफ़ है। उस तकलीफ़ के अंदर जब व्यक्ति को अपनी तकलीफ़ के बारे में बात करना, अपनी तकलीफ़ को बताना, अपनी तकलीफ़ के समाधान की चर्चा करने में ज़्यादा शायद ज़रूरत होती है, लेकिन अपनी तकलीफ़ के बारे में वो शायद कभी चर्चा नहीं करते थे। हमेशा मैंने उन्हें पाया कि वो देश के बारे में, समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने हिंदू समाज के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के बारे में बात किया करते थे। वो विलक्षण गुणों के धनी थे, उनका असाधारण व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व को इस कार्यक्रम में 5 मिनट में शायद कोई भी व्यक्त नहीं कर पाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर अगले 1 साल के अंदर अगर हम हमारे देश के लोगों को, हम हमारे परिवार के साथ जो जुड़े हुए हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं, दूसरे लोगों को बालेश्वर जी के जीवन के बारे में, जैसा कहा कि वो मेन स्ट्रीम से हटकर और बिना पॉलिटिक्स की दलदल में घुसे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अच्छा काम किया, जिसकी शायद जो लोग जुड़े हैं उनको तो कल्पना है, उन्होंने उसको नज़दीक से देखा है, लेकिन बाहर से जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको शायद बालेश्वर अग्रवाल जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी उस तरीके से कल्पना ना हो जो हम लोगों को है। और शायद ये जो 1 वर्ष है आने वाला, ये इस काम के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी महान हस्तियाँ बालेश्वर अग्रवाल जी के व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हैं, उनके कामों के साथ जुड़ी हैं, और जो आज इस शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए एकत्रित हुई हैं, निश्चित रूप से आने वाले 1 वर्ष में देश में बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे और उसका लाभ निश्चित रूप से देशवासियों को होगा, हमारे हिंदू समाज को होगा, हमारे भारत को होगा, हमारी भारतीयता के महान जीवन मूल्यों को होगा। मैं हृदय की गहराइयों से अपनी ओर से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और हमारे सभी साथियों की ओर से, कैबिनेट के सहयोगियों की ओर से एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, हमारे महान श्री बालेश्वर जी की पवित्र पुनीत स्मृति को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब भी उनके अनेकों सद्गुणों में से कुछ ना कुछ गुणों को आइडियल मानकर, समझकर, उनसे प्रेरणा लेते हुए उनको अपने जीवन में नए सिरे से आत्मसात करके नया संकल्प लेंगे। और उन्होंने जो अपने जीवन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के माध्यम से भारत के लिए जो भी सपना देखा, उस सपने को साकार करने के लिए, उनके स्वप्न को साकार करने में हम सब मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना है, और बालेश्वर जी की पवित्र स्मृति को फिर से मैं प्रणाम करता हूं।